दुर्ग में हुए अधिवक्ता संघ चुनाव में उत्साह नजर आया। 8 पदाधिकारी और 6 कार्यकारिणी सदस्यों के किस्मत का 1538 अधिवक्ताओं ने फैसला लिया। वहीं अब सभी अधिवक्ताओं को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 8 पदाधिकारियों व 6 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शुक्रवार को सम्पन्न हुआ, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी उत्सव का माहौल नजर आया। इस चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता की निगरानी में संपन्न हो रहे जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विशेष उप मुख्य चुनाव अधिकारी मुरली मनोहर देवांगन, उप चुनाव अधिकारी इसराइल शरीफ सहित 45 अन्य सहायक चुनाव अधिकारी अपनी भूमिका निभाते नजर आए। यही है ना मुरलीधर 697। इस चुनाव कार्यक्रम के सहायक चुनाव अधिकारी व मीडिया प्रभारी मोहम्मद दानिश परवेज ने बताया कि पदाधिकारियों के 8 पदों के लिए 35 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के 6 पद के लिए 17 दावेदार की लंबी फेरिश्त शामिल है। इस प्रकार सभी 14 पदों के लिए कुल 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला संघ के कुल 1539 अधिवक्ता मतदाता सदस्यों में 1538 सदस्य अपने मताधिकार से करेंगे। संघ के संरक्षक व वरिष्ठ सदस्य प्रहलाद कुमार तिवारी मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, बल्कि जब किसी प्रत्याशी को किसी पद पर बराबर बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति बनेगी, उस परिस्थिति में वरिष्ठ सदस्य अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके दोनों में से जिस प्रत्याशी के पक्ष में मत करेंगे वह प्रत्याशी विजयी घोषित होगा। अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर इस प्रकार से दी। चुनाव जो हो रहा है वो हम अधिवक्ताओं के बीच का चुनाव है, जो अपने अपने मतदाताओं को मनाने के लिए हम सब जो प्रत्याशीगण हैं वो लगे हुए हैं, और सबका अपना अपना विजन है कि मैं ये अमुक विजन रखूँगा, मैं अमुक विजन रखूँगा। मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन बिल को लेकर के, चूँकि पूर्व जो प्रेसिडेंट महोदया रही पूरे स्टेट में फ्लैग मार्चिंग हुई प्रोटेक्शन बिल के लिए डिमांड हुई, परंतु वो पूरी नहीं हुई और हमारा जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग इससे तटस्थ रहा। तो मैं यदि इस बार आता हूं तो पहली प्रायोरिटी होगी कि अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन बिल लागू हो। देख रहे हैं लोगों की सक्रियता, देख रहे हैं अधिवक्ताओं का चुनाव है लगातार। आप देखिए हर उम्र के लोग, हर जूनियर से लेकर सीनियर यहाँ पर बैठे हुए, लगातार लोग आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और लोगों में मतलब रुझान दिख रहा है। अभी तक 30% के आसपास की वोटिंग हो गई है और ये मुझे ऐसा लगता है कि 90% के आसपास वोट पड़ेगा। अधिवक्ता चुनाव पारिवारिक चुनाव होता है हमारा, और एक परिवार के रूप में एक साथ होकर सब मिल के चुनाव लड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहाँ पर हो रहा है और सब एक साथ हम एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए चुनाव एक परिवार का है, पहले भी अध्यक्ष रही हूँ 3 बार और इस बार भी कॉन्टेस्ट में हूँ और निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। चुनाव इसमें टोटल 1538 मतदाता है, उसमें से एक संरक्षक सदस्य है जिसको अगर मान लो टाई हो गया तो हम उनको लास्ट में उनसे डिसाइड वोट रहेगा उनका। इसके अलावा अभी तक लगभग 300 के आसपास मतदाता अपने मत का उपयोग कर चुके हैं और बाकी भी धीरे धीरे, क्योंकि क्या सेकंड हाफ में थोड़ा भीड़ बढ़ेगी, वैसे भी वकीलों की आदत है 11 बजे के आसपास ही आते हैं तो अभी थोड़ा धीरे है, लेकिन आगे जाके बढ़ेगी मतदाताओं की संख्या। और इसके अलावा हम लोग ने 8 पद हैं प्रत्याशी के, उसके अलावा 6 कार्यकारिणी के हैं और हम लोग का जो चुनाव है एक बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव, इसलिए थोड़ा आप देखेंगे अलग तरीके से हो रहा है। हमने पूरी व्यवस्था की है अच्छे से यहाँ पे और लोग अपना आराम से आ रहे हैं, अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं, आराम से हो रहा है हमारा चुनाव। संघ दुर्ग का चुनाव 2024-25 के लिए हो रहा है, 2 साल का है, इसमें 8 पदाधिकारी और 6 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होना है। 1539 मतदाता हैं आज जो अपने मतों का उपयोग करेंगे, अभी तक लगभग 350 मतदाताओं ने अपना मतों का उपयोग कर लिया है। चुनाव प्रक्रिया में 6 बूथ बने हमारे यहाँ, एक एक बूथ में 264 मतदाता अपने उपयोग कर रहे हैं
और अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो रहा है, आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। बहरहाल इस अधिवक्ता चुनाव में बड़े ही शांतिपूर्वक मतदान किया गया, जिसकी मतगणना 17 फरवरी को संघ के ग्रंथालय भवन स्थित चुनाव कार्यालय में की जाएगी और 18 फरवरी को मतगणना उपरांत परिणाम की अधिकृत घोषणा भी की जाएगी। प्रत्याशियों समेत अधिवक्ता मतदाताओं को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।